क्या था, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MSI के 1050 Ti Overclock Edition के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूंगा MSI का, जिन्होंने मुझे ये रिव्यू यूनिट दिया। काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रहा हूँ अपने मेन पीसी पे, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। मैंने इस पर काफी इंटेंस टेस्टिंग करी है और काफी ज्यादा गेमिंग भी करी है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इस पर एक रिव्यू बनाया जाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 1050 Ti के बारे में और आपको बताएंगे क्या 2018 में इस ग्राफिक्स कार्ड को लेना चाहिए और किन लोगों को ये ग्राफिक्स कार्ड सच में लेना चाहिए। वे अगर आप भी दोस्तों एक 1050 Ti ढूंढ रहे हैं अपने सिस्टम के लिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। MSI दोस्तों काफी सारे वेरिएंट बनाती है 1050 Ti का, तो आज हम लोग दोस्तों इस वेरिएंट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जितने भी मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा वो केवल इसी वेरिएंट के होंगे। अगर आप डुअल फैन के साथ जाते हैं या दूसरी सब ब्रांड के साथ जाते हैं MSI की, तो हो सकता है आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। वैसे परफॉर्मेंस में खास डिफरेंस नहीं दिखेगा अगर आप चाहें Zotac का ले लें या किसी और ब्रांड का ले लें। स्पेसिफिकेशन दोस्तों लगभग सबके सिमिलर ही हैं, बस आपको थोड़ा बहुत मेमोरी फ्रीक्वेंसी में या कोर फ्रीक्वेंसी में फर्क देखने को मिल सकता है। नाउ बात कर लेते हैं इसके फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन की। इस ग्राफिक्स कार्ड का दोस्तों नाम है वो है MSI का 1050 Ti Overclock Edition। चिपसेट तो दोस्तों यहाँ पर यूज करा गया है वो है NVIDIA की तरफ से GeForce का GTX 1050 Ti। वहीं अगर इंटरफेस की दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको PCIe Express 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि आपके मदरबोर्ड पे अगर PCIe Express 3.0 का पोर्ट है तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड को इसके फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकते हैं। CUDA कोर्स की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको 768 CUDA कोर्स के यूनिट मिल जाते हैं। वहीं अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओवरक्लॉक वेरिएंट है तो 1455 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मेमोरी की दोस्तों बात करें तो 1050 Ti केवल एक ही मेमोरी वेरिएंट में आता है, वो है 4GB। और अगर मेमोरी इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर आपको GDDR5 मिलती है, वो भी 128 बिट वाली। मेमोरी फ्रीक्वेंसी की दोस्तों बात करें तो वहीं आपको मिल जाती है 7008 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। काफी ज्यादा है दोस्तों क्योंकि ये GDDR5 बेस्ड है। आउटपुट पोर्ट के नाम पे दोस्तों यहाँ पर आपको केवल तीन पोर्ट मिलते हैं, पहला है डिस्प्ले पोर्ट, दूसरा है DVI पोर्ट और तीसरा है HDMI 2.0 पोर्ट। तो मतलब कि अगर आप एक ट्रिपल मॉनिटर वाला एक सेटअप बनाना चाहते हैं तो आप इजीली इसको बना सकते हैं इस कार्ड के सिंगल कार्ड का यूज करके ही। सबसे अच्छी चीज दोस्तों मुझे जो इस कार्ड में लगी वो लगी इसका पावर कंजम्पशन। 75 वॉट दोस्तों ओवरऑल कंज्यूम करता है, ओवरक्लॉक वर्जन है। अगर आप नॉन ओवरक्लॉक वर्जन लेंगे तो शायद 70 ही वॉट कंज्यूम करें, लेकिन फिर भी दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की एक्सटर्नल पावर कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा महंगे PSU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग एक PC है जिसको आप अपग्रेड करने का एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए 1050 Ti एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन की दोस्तों बात बहुत हो गई, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ बेंचमार्क की। बेंचमार्क्स करने से पहले मैं आपको अपने टेस्ट बेंच बता देता हूं। यहां पर मैंने बेंचमार्क करने के लिए प्रोसेसर लिया है, वो लिया है Pentium G4560, 16GB रैम ताकि मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके के रैम बॉटलनेक करे, और 120GB की SSD ताकि अपने गेम्स जो हैं वो बिल्कुल फुल पोटेंशियल पर चले। और जो ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों जो हमने यहाँ पर लिया है वो लिया है MSI का 1050 Ti 4GB OC। तो बेंचमार्क आपके स्क्रीन पर ये रहे। बेंचमार्क देखने के बाद दोस्तों एक चीज जरूर क्लियर हो गई है कि 1050 Ti हर गेम अल्ट्रा सेटिंग पर आपको 60 FPS पर चलाकर नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कंसीडर किया जाए इसकी प्राइस तो दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी आपको ऑफर करता है। एक चीज मैं अब यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा जिन्होंने आज से 3-4 साल पहले एक PC बिल्ड किया था जिसमें उन्होंने i5 सेकेंड जनरेशन या i3 फोर्थ जनरेशन जैसे प्रोसेसर का यूज किया था।
वो लोग दोस्तों अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो 1050 Ti उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर नए सिस्टम की बात करें, अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप Pentium G4560 या Ryzen 3 1200 के साथ ही एटलीस्ट जाएं। इससे कम अगर आप जाएंगे तो आपको जो ग्राफिक्स कार्ड है वो बहुत ज़्यादा बॉटलनेक हो सकता है। नाउ अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। अगर आप Amazon.in से खरीदेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो है 18,390 रुपए के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। वही अगर आप MD कंप्यूटर से सेम ग्राफिक्स कार्ड आप लेते हैं तो आपको करीब करीब 13,500 रुपए का पड़ जाएगा, जो कि मैं मानता हूँ थोड़ा सा ओवर प्राइस है, लेकिन फिर भी कंसिडर किया जाए 18,000 रुपए से तो बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगा कि 1050 Ti ही अगर आपको लेना है तो आप दूसरे वेरिएंट की तरफ देख ले, जैसे कि Zotac का ऑफलाइन स्टोर पर देख लें, थोड़ा बहुत ढूंढ लें, तो मैं मानता हूँ 12,500 रुपए के आसपास आपको वो इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।